हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल में। तो मैं हूँ कोसिला मींज, और आज का ये जो मेरा ब्लॉग है, आप सबों को जैसा कि टाइटल से पता चल रहा है, ये बर्थडे सेलिब्रेशन का है। तो आज है 24 अक्टूबर, और आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो हम लोग वही सेलिब्रेट करेंगे। और आज मैं आप लोग के साथ ये सेलिब्रेशन बर्थडे सेलिब्रेशन का ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन पर ऑल पे क्लिक कीजिएगा, तो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को फटाफट से मिल जाए। तो देखिए, हम लोग पहुंच चुके हैं अपना सरना स्थल, क्योंकि आज बाबू का जन्मदिन है। ये 3 साल का आज हो जाएगा, और आज जैसे हम लोग आए हैं तो बस यही मनोकामना करने आए हैं कि अभी तक आपने मेरे बाबू को मतलब अच्छी लाइफ दी हुई है, कोई अभी प्रॉब्लम ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है, तो उसके लिए धन्यवाद। और आगे कोई प्रॉब्लम होगी भी तो उन सभी चीज़ों से लड़ने के लिए हम लोग को शक्ति दे। और ख़ासकर मैं तो यही बोलती हूँ भगवान से कि मेरा बच्चा जब बड़ा हो तो उसे सही और गलत की सूझबूझ उसे ज़रूर दे, ताकि वो कुछ गलत राह में नहीं जाए और अच्छे से अपना लाइफ सेटल करे। और यहाँ पे देखिए, अभी मैं यहाँ पे आग जला ले रही हूँ, क्योंकि हम लोग के पूजा में धुवन का होना ज़रूरी है, तो वही मैं यहाँ पे आग जला ले रही हूँ। मैंने साथ में ही लाया था सारा सामान, लकड़ी वगैरह, और ये खपरेल है, तो उसी में आग जलाने के हेलो लिए मैं अभी एवरीवन, लकड़ी जला वेलकम बैक रही टू हूँ, माय चैनल। और बाबू तो भी आज है काफ़ी ट्वेंटी ज़्यादा फोर खुश अक्टूबर हैं। और आज मेरे बाबू का जन्मदिन है, तो हम लोग आए हैं अपने पूजा स्थल में, जिसको सरना स्थल बोलते हैं, पानी ढालने के लिए। ये देखिए, और यहाँ पे अभी धूप के लिए हम लोग लकड़ी जला रहे हैं, आग बना रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही शेयर भी कर दीजिएगा, और जो बेल आइकन का बटन है उस पे ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिल जाए। तो आज का ब्लॉग है पूरा बर्थडे सेलिब्रेशन वाला है, तो लास्ट तक ब्लॉग में बने रहिएगा। जय सरनामा, बोलो बोलो, जय जय सरनामा। दोनों हाथ से लो, दोनों हाथ से गिरेगा, गिरेगा, गिरेगा। अब इसको लो, इसको लो, इसको यहाँ डालो, ऐसे करके डालो, यहाँ ऐसे जय करो, जय करो। तो यहाँ पे मैंने बाबू को भी पूजा करवा दिया है, उसके बाद मैं भी भगवान से प्रार्थना कर लेती हूँ कि अभी तक परिवार में जो भी मुसीबतें आए हैं उसे हम लोग को लड़ने की जितनी भी शक्तियाँ दी हैं उसके लिए धन्यवाद, और जितनी भी खुशियाँ दी है उसके लिए भी धन्यवाद। और यही मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान से ना, कि जो भी मुसीबतें आए हों उसे लड़ने के लिए शक्ति दे और खुशियों के लिए धन्यवाद। बस यही दो चीज़ मैं कामना करती हूँ अपने भगवान से, कि हम लोग के परिवार को जुड़े रखे और हमारे फैमिली मेम्बर को खुश रखे, बस ये। और कुछ मैं ज़्यादा नहीं मांगती, बाकी जो भगवान हमें देता है जितनी ज़रूरत है उसी हिसाब से देता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं ज़्यादा किसी चीज़ की कामना भी नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा पूजा हो जाता है, तो यहाँ पे बाबू को भी मैं थोड़ा थोड़ा सिखाते जा रही हूँ कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, क्योंकि आप बचपन से नहीं सिखाओगे ना तो, और बच्चे बचपन में ही सीखते हैं जल्दी जल्दी, बड़े होने पे तो उतने सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका माइंड बहुत डाइवर्ट हो गया। और इस वजह से बचपन में आप जितने ज़्यादा उन्हें अच्छी चीज़ें सिखा सकते हैं ना, ज़रूर सिखाना चाहिए। ये चीज़ें उन्हें लास्ट तक यादें रहती हैं, क्योंकि हमारे भी माँ बाबा ने हम लोग को सिखाया, तभी हम लोग आज सीखे हुए हैं, जाने हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं भी बाबू को सिखा रही थी अपना पता कैसे करना है वो सब, तो आज वो बहुत ज़्यादा खुश था। और यहाँ देखिए, मेरे पूजा करने के बाद मेरे हस्बैंड भी यहाँ पूजा कर ले रहे हैं,
और आज हम लोग का पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी होने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी नहीं बट गेस्ट बुलाए हैं अपने फैमिली वालों को। तो आज हम लोग पूरे धूमधाम से अपने फैमिली के साथ बाबू का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और ये अभी 3 साल का हो जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं ये सोनल पूरा मतलब ये डेकोरेशन का जिम्मा ली हुई है। तो ज़्यादा कुछ नहीं हम लोग सजावट के लिए रखे थे, बस ये इस तरह का एक, ये भी दुकान से ही लाए थे हम लोग। और ये जो बैलून है ना, वो भी पिछले साल का ही है। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे गेस्ट आने स्टार्ट हो गए हैं, और यहाँ पे मेरी माँ आ गई है। देखिए आप लोग पिछले कई सारे ब्लॉग में आप लोग देख चुके होंगे कि माँ का तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। और यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड जो है खाना बना रहे हैं, मतलब हम लोग दोनों मिलके ही बना रहे थे, और मेरी दीदी लोग भी आई हुई थी, तो वो सब भी मिलके मतलब हम लोग सब मिलके बना रहे थे। तो यहाँ पे करीब 20-25 हम लोग आदमी हो रहे थे, मतलब गेस्ट वगैरह सब मिला के। तो हम लोग बाहर ही खाना वगैरह बनाने का डिसाइड किए, तो वहीं पे हम लोग बाहर चूल्हा पे, चूँकि लकड़ी भी यहाँ भी थी और लकड़ी से जल्दी बन जाता है, तो इस वजह से हम लोग ने बाहर सारा अरेंज किया हुआ है खाना वाना बनाने का। और हम लोग कोशिश कर रहे थे कि गेस्ट आने से पहले ही मतलब खाना वगैरह सब बन के कम्प्लीट हो जाए। तो फाइनली करीब 7:45 बजे के करीब हम लोग का केक कटिंग हो चुका था। हम लोगों ने सोच के ही रखा था कि काफ़ी जल्दी स्टार्ट कर देंगे, और ख़त्म भी जल्दी करना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आज रात में ही निकलना था। और इस वजह से हम लोग पार्टी का प्रिपरेशन भी काफ़ी जल्दी स्टार्ट कर दिए थे, ताकि जल्दी ही ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ मैं सारे बच्चों को केक खिला दे रही हूँ। सीनू काफ़ी ज़्यादा खुश था, मतलब इस बार उसको लग रहा था कि हाँ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, उसे थोड़ा थोड़ा अब पता चल रहा है। और यहाँ पर देखिए केक कटिंग के बाद हम लोग सब मिलके यहाँ नाश्ता कर ले रहे हैं। और मैं ना जब भी कुछ इस तरह का छोटा मोटा फंक्शन रखती हूँ, तो खाना पीना पहले से ही रेडी रखती हूँ, ताकि जब सारे कोई आए तो मैं भी उन लोग के साथ बैठूँ, बात करूँ, और तो ऐसे ही अच्छा लगता है। फिर हम लोग काम करते रहें और ऐसे बाहर गेस्ट बैठे रहे तो अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे देखिए बाहर मेरे हस्बैंड बैठ के खा रहे हैं सभी कोई के साथ, और यहाँ पे मेरी दीदी लोग बैठी हुई है, माँ है और मेरे जीजा जी हैं। तो यहाँ पर ना पूरी बनाने की तैयारियाँ हो रही थी, क्योंकि अब बच्चों को भी खिलाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आज हम लोग का खाना भी रेडी हो चुका है। तो करीब दोपहर में ही हम लोगों ने चिकन चावल बना के रखा था, दाल और गर्मा गर्म पूड़ी और पापड़ अभी बना दिए हैं, और साथ में है मीठा, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। और उसके बाद देखिए बड़ों को भी खा ले रहे हैं।
तो खाना खाने के बाद ना यहाँ पे मैंने थोड़ा सा म्यूज़िक चालू कर दिया था, तो बच्चे लोग डांस कर रहे हैं और बाबू का बर्थडे बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। और अपने ही तो होते हैं ना जो हमारी खुशियों पे चार चांद लगा देते हैं, और फैमिली के साथ हर छोटा बड़ा फंक्शन ना बहुत ही अच्छा से बनता है, बहुत ही इंजॉय होता है। तो मेरा जो आज का ब्लॉग है वो भी यहीं तक था। बाबू का बर्थडे बहुत ही अच्छा से सेलिब्रेट हुआ। आई होप कि आप लोग को मेरा ये बर्थडे सेलिब्रेशन वाला वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।